महाकाल नगरी उज्जैन में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल उज्जैन के जिला अस्पताल में 20 साल पहले हुई महिला की मौत के बाद शुक्रवार को महिला के परिवार वाले उसकी आत्मा को लेने पहुंचे। अस्पताल में यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह गया और हैरानी और तब हुई जब महिला के परिजन अस्पताल के सामने झाड़फूंक करने लगे। जिला अस्पताल में छुट्टी होने के कारण ओपीडी के पास वाले गेट पर ताला लगा था। छुट्टी होने के चलते अस्पताल में आने वाले मरीज भी कम ही थे। सुबह करीब 11 बजे आलोट से आए कुछ ग्रामीण महिला पुरुष यहां पर तंत्र मंत्र करते नजर आए। गेट पर मंत्र पढ़ती हुई महिला किसी मृतक महिला से बात करने का दावा भी कर रही थी। बुजुर्ग महिला अपने हाथों में लोहे की चेन लेकर मृतक महिला को अस्पताल से बाहर निकालने के लिए आवाज भी लगा रही थी। इस दौरान उनके साथ आई कुछ महिला और पुरुष अस्पताल की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे। इधर महिला जोर जोर से आवाज निकाल रही थी तो वहां भीड़ जमा हो गई थी। सभी लोगों द्वारा कुछ देर तक तंत्र मंत्र करने के बाद आलोट के लिए रवाना हो गए। सर, मैं आपको कुछ पूजा पाठ करते हुए देखा गया, क्या पूजा थी और क्या कारण था? उसका कारण ये था कि हमारा पूरा पूर्वज एक गुजर गए थे जहाँ, तो उनको लेने आए थे। कौन व्यक्ति था और कब गुजर गए थे? आज से करीबन 20 साल हो गए। 20 साल पहले? 20 साल पहले। किस प्रकार की दुर्घटना हुई, तो क्या नाम? दुर्घटना ये थी कि कुत्ता ने काटा था तो यहाँ शांत हुए थे, यहाँ गुजर गए थे। उसमें ये चीज़ है कि जहाँ आके जाते हैं या गुजरे हुए वहाँ से जो भी चीज़ ले जाना है वो वापस लेके घर जाते हैं इनके। तो आज किस प्रकार की पूजा की आपने? तो पूजा इसलिए की कि आज से जा रहे हैं वो परी माता है, वो डील में आ गई थी उनके, तो वहाँ से बताया था, यहाँ से लेने के लिए आए थे। कहाँ से आए आपका नाम? वोटेड आलोड से। आलोड, क्या नाम आपका? करण सिंह। मृतक का क्या नाम? दाफू भाई। महिला थी। बता दें कि महिला की मृत्यु 20 साल पहले कुत्ते के काटने से हो गई थी। करण ने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही मृत हो चुकी महिला की आत्मा परिवार के सदस्य के शरीर में आई। उसने बताया कि अभी मृत ढाकूबाई अस्पताल में है, इसलिए वे सभी अस्पताल में आ गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए उज्जैन से विशाल चौहान की रिपोर्ट।